देखो हलचल कितनी तेज है हर खेमे में, इसका अंदाजा आपको मिल गया होगा। कुल मिलाकर पांचों राज्यों में चुनावी बयार चलने लगी है और इसी हवा को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने तीन राज्यों में तीन अलग अलग नामों से यात्रा शुरू कर दी। सत्ता रिटेन करने और सत्ता में वापसी के हिसाब से यात्राओं को नाम दिया गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी एमपी में जन आक्रोश यात्रा कर पलटवार की कोशिश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा, राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा, तीन चुनावी राज्यों में अलग अलग यात्राओं के जरिए बीजेपी वोटरों को साधने में जुटी है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। तीन सितंबर से प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई और अलग अलग जिलों से होता हुआ बीजेपी का रथ आज ग्वालियर पहुंचा है। बड़ी बात यह है कि जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतार रखा है। भारत माता की। इन तीन तस्वीरों को देखिए। खरगोन में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत यात्रा के साथ थे, तो सिवनी में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर नजर आए। इस तरह से कई और बड़े नेता यात्रा के साथ प्रदेश में पार्टी का माहौल बनाने जमीन पर उतरे हुए हैं। प्रदेश भर में पांच जन आशीर्वाद यात्रा निकली हुई है। 25 सितंबर तक पहले चरण की यात्रा चलेगी। इस दौरान 10,643 किलोमीटर का सफर तय किया जाना है। यात्रा के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को भोपाल आने वाले हैं। इस दिन भोपाल में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर एक बड़ी रैली की जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस दिन प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में रोड शो भी कर सकते हैं। बीजेपी की यात्रा से मध्य प्रदेश में सियासी माहौल बन रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने भी अब यात्रा की रणनीति तैयार कर ली है। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कांग्रेस यात्रा निकालेगी। मध्य प्रदेश के 7 इलाकों से ये यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश के अलग अलग संभागों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। अरुण यादव, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह जैसे नेता इन 7 यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी इन यात्राओं में शामिल होंगे। इसे कामयाब बनाने के लिए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए हैं। देखिए, राजनीति में यात्राओं का बड़ा महत्व है और यात्रा से सत्ता कैसे मिलती है वो मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से। जरा गौर फरमाइएगा कैसे कब नेता ने यात्रा की और उसका कैसे उसे फायदा मिला है। 1989 क्रांति रथ यात्रा के बाद मुलायम यूपी के सीएम बने थे। 1989 की एक घटना, मुलायम सिंह यादव को देखिए कैसे यात्रा से फायदा मिला था। आडवाणी की रथ यात्रा के बाद 91 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी, कैसे फायदा हुआ वो देखिए। 2003 में पद यात्रा के बाद वाईएसआर रेड्डी आंध्र की सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, 2003 की वो घटना। इसके अलावा 2011 में क्रांति रथ यात्रा के बाद अखिलेश यादव को 2012 में यूपी की सत्ता मिली थी, कैसे फायदा मिला था यात्रा का वो समझिए। 2014 पद यात्रा के बाद चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में सत्ता मिली थी, चंद्रबाबू नायडू को भी पदयात्रा का सीधे तौर पर फायदा मिला था। और 2018 की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा के बाद कांग्रेस को एमपी की सत्ता मिली थी। यानी अलग अलग समय में तमाम जो यात्राएं हुई उसका सीधे तौर पर नेताओं को फायदा मिला है। तो ये जो यात्राएं होती हैं उसका राजनीति में क्या महत्व है आप समझ सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।